बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस पी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की ये क्लास बी एस सी फोर्थ सेमेस्टर के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर 2024 सत्र का है, जो कि अभी हाल ही में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ है। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस सत्र का एग्ज़ाम लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, उन सभी के लिए आज का यह क्वेश्चन पेपर खासकर महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो इस बार रिपीटेड हैं और जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि 2021 सत्र से लेकर के 2024 सत्र का एग्ज़ाम होने वाला है और 24 यानी कि लगभग 4 वर्षों के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको देखते हुए मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ तैयार की थी, मॉडल पेपर तैयार किया था, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन पेपर में मैंने एनालिसिस किया है कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जामिनर हर बार पूछता है, 2021 से लेकर 24 तक के हर विश्वविद्यालय में रिपीट हुए। तो चलिए उन प्रश्नों की चर्चा करते हैं। दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो आपके पेपर टाइटल है वो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। ये आपके दो पार्ट में डिवाइड है, चार चार यूनिट दोनों में से हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में 4 यूनिट आपके हैं और एनालिटिकल टेक्निक्स में भी 4 यूनिट, 8 यूनिट टोटल आपके पूरे पाठ्यक्रम में है। तो सबसे पहले हम सेक्शन वाइज पेपर आता है, तो सबसे पहले हम सेक्शन ए के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सेक्शन ए में आपके वेरी शॉर्ट प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब जैसे कि बात करें अगर हम वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय की, तो वहाँ पर 10 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं। आजमगढ़ में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय में 10 क्वेश्चन, अवध विश्वविद्यालय में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बात करें तो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के हैं। फिलहाल इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, 3 प्रश्नों का उत्तर देना था 50 शब्दों में। तो चलिए प्रश्न देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन का नियम क्या है। तो ये आपके दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड, तो इसको नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूछ लिया जाता था या फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत पूछ लिया जाता था। पाउली का अपवर्जन नियम आपके सिलेबस में है, तो लेकिन ये 2-3 बार रिपीट हुआ, ज़्यादातर रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक बार अगर आपने 12th क्लास से पढ़ रखी पाउली हुंड का नियम, तो एक बार आप इसको रिविजन कर लीजिएगा, हो सकता है इंपॉर्टेंट है आ जाए। नेक्स्ट प्रश्न है जो 100% आपको लगभग 15 नंबर देगा, वो है श्रोडिंगर वेव का इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपसे यहाँ पर वेरी शॉर्ट टाइम में तो पूछा ही गया, लेकिन ये आपके शॉर्ट या लॉन्ग सेक्शन में आपको 15 नंबर के लिए पूछा जाएगा। 15 नंबर के लिए ये प्रश्न आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, जिसमें इसका पूरा डेरिवेशन देना होता है। डेरिवेशन में क्या पूछता है आपसे, पूछता है कि व्हाट इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, गिव द 1-डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है, एक 1-डायमेंशनल बॉक्स के लिए श्रोडिंगर वेव का इक्वेशन क्या होगा, वह पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 100% आपको अगर 15 नंबर आपका कंफर्म करना है कि 15 पूरे 75 में से 15 नंबर अभी आप नोट कर लीजिए, तो ये आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देगा, ठीक है। ये पहली बात, ये पहला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। अब दूसरा प्रश्न जो रिपीटेड है, जो 100% आता है, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव और कंपटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कंपटन इफेक्ट, ये दोनों हर बार हर विश्वविद्यालय में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेरी शॉर्ट टाइम में पूछ लिया जाता है या कभी कभी सेक्शन बी में पूछा जाता है। तो अगर यहाँ पर पूछा गया 3 नंबर के लिए पूछा गया है और के विश्वविद्यालय में 3 नंबर का पूछा जाएगा, तो 15, 3, 18 नंबर आपके यहाँ से कंफर्म हो गया। 100% वाले, ये गारंटी वाले प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया है कि एक्सप्लेन द सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रम, ठीक है, घूर्णी स्पेक्ट्रम के लिए वर्ण का नियम था या चयन का नियम पूछ लिया जाता है। चयन का नियम, सिलेक्शन रूल जरूर आता है, अगर रोटेशनल स्पेक्ट्रम इसमें नहीं ऐड करेगा तो चयन का नियम 100% आएगा, ये गारंटी के साथ बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चयन का नियम आप तैयार करके जाइएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर ई, जिसमें पूछ लिया गया डिस्क्राइब द ब्रीफ सॉल्वेंट एक्सटेंशन, आपके 8वें यूनिट का ये प्रश्न है, ठीक है, जिसमें विलायक निष्कर्षण के सिद्धांत को पूछ लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार रिपीट होता है, क्योंकि आपके लास्ट यूनिट में एक ही यही प्रश्न बनता ही है सॉल्वेंट एक्सटेंशन से, और कोई प्रश्न नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये
तीन क्वेश्चन पूछने थे जिनमें से तीन के तीनों इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अब हम सेक्शन बी के प्रश्न की चर्चा करेंगे। सेक्शन बी में आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसे लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। ओके, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है कि सेलेक्शन यहाँ पर दिया गया है कि दिस सेक्शन कंटेन ओनली वन क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ सेवन सब। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया, एक क्वेश्चन के अंतर्गत सात सब क्वेश्चन हैं। ईच सब क्वेश्चन कैरी नो मार्क। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के हैं? नौ नंबर के हैं और इसमें से चार प्रश्न आपको हल करने हैं। 225 शब्दों में आपको इसका आंसर देना था। तो चलिए पहला प्रश्न जो हर बार का रिपीटेड क्वेश्चन है उसको नोट कर लीजिएगा, वो है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई एंड साई स्क्वायर। तरंग फलन साई और साई स्क्वायर की सार्थकता बताइए। 100% दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, सार्थकता वाला क्वेश्चंस। वेव फंक्शन पूछ लिया था साई एंड साई स्क्वायर का, ठीक है, तो आपके पहले ही यूनिट का प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। चलिए इसी चीज़ क्लियर है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, यह भी आपका रिपीटेड प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विहार विश्वविद्यालय में तो आया ही है। 2023 की बात करें तो 23 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछ लिया गया है क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम्स, यानी इसको कहते हैं वर्णमूलक और वर्णवर्धक। वर्णमूलक और वर्णवर्धक क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों हो सकता है शॉर्ट वाले सेक्शन में आ जाए आप सब में, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि एक्सप्लेन द टर्म गिवेन द वैल्यू ऑफ आइगन फंक्शन इन्वॉल्व द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर के तरंग समीकरण से आइगन मान तथा आइगन फलन को समझाइए। अब यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इंक्लूड है, लेकिन क्वेश्चन जो बनता था वो बनता था एक्सप्लेन द टर्म ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन का कई बार एग्जाम में आया है दोस्तों, तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार कर लीजिएगा या आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है, एस सी वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड बाई आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से निम्नलिखित यौगिक के जोड़ों को आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैसे विभेद करेंगे। पहला है प्रोपेनॉल टू योम एस्टिक एसिड, दूसरा है एथिल एल्कोहल योम डाई मेथिल ईथर। इनमें आपको विभेद करना है किससे, आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा नहीं पूछे जाते, लेकिन कभी कभी रिपीट हो जाता है, तो इनमें से दोस्तों एक दो क्वेश्चन ज़रूर आप थोड़ा सा विभेद करना सीख लीजिएगा कि अगर आए तो आप उसको कर पाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया जो सबसे टॉप प्रश्न है, 100% रिपीटेड, व्हाट इज शील्डिंग एंड डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज शील्डिंग एंड डी शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि प्रोटॉन का परिरक्षण क्या है तथा विपरक्षण क्या है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVIP प्रश्न है, शील्डिंग और डी शील्डिंग वाला प्रश्न, कई बार ये रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया 100%, ये आपका सबसे टॉप प्रश्न है जिससे पूछा गया डिस्क्राइब द वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग द लैम्डा मैक्स इन कॉन्जुगेट डाइन। संयुग्मित डाई में, संयुग्मित डाई में लैम्डा मैक्स की गणना करने के लिए वुडवर्ड फिशर का नियम बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर हम मॉडल पेपर उठाकर देखेंगे तो जितने भी प्रश्न इसमें देखने को मिले हैं सारे के सारे प्रश्न हमारे मॉडल और इम्पोर्टेंट पेपर से आए हुए हैं 100% गारंटी के साथ, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVIP प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है। अगर हम बात कर लें अवध विश्वविद्यालय में तो दोस्तों पूछा जाएगा गारंटी के साथ, अवध विश्वविद्यालय में आएगा। अगर आपका भी बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय अगर पेपर नहीं हुआ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है आजमगढ़ विश्वविद्यालय के लिए, साथ ही साथ दोस्तों चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के लिए यानी मेरठ विश्वविद्यालय के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जहाँ पर लिखित परीक्षा होनी है सब में ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आ गया और ये दोस्तों 100% आते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है OMR सीट पर, ये क्वेश्चन लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 से 5 क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई, यहाँ पर सिग्मा सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार एंड एन से एन स्टार, ठीक है।
इसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पूछा, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। अभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिया गया है, पूछा गया है कि अरेंज दिस ट्रांजिशन इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। इन सभी ट्रांजिशन को यहाँ पर है कि संक्रमण, ये संक्रमण दिए गए हैं, ठीक है। ये कुछ संक्रमण के प्रकार हैं, संक्रमण से पूछा गया क्या समझते हो आप, उसके अंदर आप बताइए कि दिए गए जो संक्रमण, ये संक्रमण जो दिए गए हैं, इनको ऊर्जा के घटते क्रम में लिखाइए, एनर्जी के घटते क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में, सो इसको तैयार करके जाइएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम सेक्शन सी के प्रश्न की चर्चा करेंगे। सेक्शन सी में आपके जो प्रश्न होते हैं वो लॉन्ग सेक्शन वाले होते हैं, तो इनमें लगभग लगभग बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर एक ही प्रश्न इसको एक पूछा जाता है अब लॉन्ग सेक्शन में, लेकिन कुछ विश्वविद्यालय में अभी दो प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि दिस सेक्शन कंटेन ओनली वन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है विच कंसिस्ट फोर सब क्वेश्चन है और ईच सब क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स। दो क्वेश्चन से यहाँ से आपको हल करने हैं और 475 शब्द में आपको आंसर करना है। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ए एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, 3 यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो 100% रिपीटेड वाले हैं, इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला है बाथोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर देखिए बाथोक्रोमिक इफेक्ट और हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, ये दोनों पूछे जाते हैं, कई बार रिपीट हुए हैं, तो ये दोनों टॉप हैं। अगला आ जाता है केमिकल शिफ्ट गारंटी के साथ, गारंटी के साथ केमिकल शिफ्ट आएगा दोस्तों, आप केमिकल शिफ्ट को ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। और लैम्बर्ट का नियम, ये बहुत बार रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसको मैं रिपीटेड नहीं कह रहा हूँ। बाकी इसमें जो रिपीटेड है, बाथोक्रोमिक इफेक्ट, केमिकल शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट और फिंगरप्रिंट रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन को तो मत भूलिए, ये क्वेश्चन भी गारंटी वाला है, आप इसको भी तैयार करके जाइएगा। ओके, तो इतनी चीज़ क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बेस पीक एंड मेटा स्टेबल आयन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। बेस पीक जो था, मेटा स्टेबल आयन से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित समझाइए। अरे दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन पिछले सत्र में पूछा गया था, इस बार रिपीट हुए हैं। और अगला क्वेश्चन आ गया टॉप पर, इंडिकेट द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन इन पीएमआर स्पेक्ट्रा फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ पर है दोस्तों कि निम्न यौगिक के पीएमआर स्पेक्ट्रम में कितने प्रकार के प्रोटॉन प्राप्त होंगे, तो यहाँ पर है क्लोरोइथेन, ईथेन, 2-क्लोरोप्रोपेन, तीसरा दिया आपका चौथा है डाई एथिल ईथर और प्रोपेनॉल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुए हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। और आठवां प्रश्न आपका अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, कई बार का ये प्रश्न है, आप देखेंगे BSc फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री में आपने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी और उसी में आपने मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी, इसके आधार पर आप कैसे किसी भी जो है किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का आपको क्या करना था, एलिमेंट का क्या करते थे आप, ज्योमेट्री का निर्धारण करते थे, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी में पूछ लिया गया BMO, BMO क्या है, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, MOT मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, BMO मॉलिकुलर ऑर्बिटल, माफ कीजिएगा, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और AMBO एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ओके, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों आपके एग्जाम में आने की संभावना 100% बनी है, ठीक है। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल तो भाई कई बार रिपीट हुए हैं, इस बार भी रिपीट होने की संभावना है। तो इस प्रश्न पत्र में आप लोगों ने देखा कि अगर मैं दो प्रश्नों को छोड़ दूँ, 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीटेड नहीं हैं, बाकी के सभी प्रश्न आपको हमारे मॉडल पेपर से ही मिलेंगे, जो मैंने मॉडल पेपर आप लोग के लिए तैयार किया है। तो आप लोग मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन पेपर को रामबाण प्रश्न मान करके तैयार कर लीजिएगा, ये मानकर चलिएगा सेम यही प्रश्न पत्र आपके भी पेपर में आने वाला है, तभी आप इसके ढंग से तैयारी कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का जो ये क्वेश्चन है, इसका अगर आप PDF चाहते हैं क्वेश्चन पेपर का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। या दोस्तों आप लोग
लिंक यहाँ पर है, आप डायरेक्ट लिंक को ओपन करेंगे तो टेलीग्राम पर जाएंगे। अगर वहाँ से नहीं ओपन हो रहा तो आप सर्च कर लीजिएगा SP Study Point, टेलीग्राम के सर्च बार में जाइए और सर्च कर लीजिएगा SP Study Point, तो आपको क्या मिल जाएगा, चैनल का लिंक मिल जाएगा या नाम मिल जाएगा, या यहाँ से ज्वाइन कर पाएंगे। सारे PDF आपको वहीं पर मिल जाएंगे और इसका सॉल्व पेपर भी वहीं पर डाल दूंगा, ठीक है, तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं आप सबसे मेरा निवेदन है, अगर आप तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।